नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों के 10 बड़ी खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। और इस बीच खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जिस प्रकार से स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को राज्यों में भेजा जा रहा है, उससे कोरोना बढ़ने के खतरा ज्यादा है और ऐसा केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। इसको लेकर वो प्रधानमंत्री से अलग से भी बात करेंगे। इसके साथ ही और भी कई सारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन के प्रति उनका क्या रुख रहने वाला है और केंद्र सरकार किस तरह से लॉकडाउन के प्रति विचार कर रही है। और दूसरी बड़ी खबर है, जगह जगह फंसे हुए लोगों की जो अपने घर को जाना चाहते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने कल से सभी ट्रेनें शुरू करने का घोषणा किया है। हालांकि अभी इन ट्रेनों के स्टॉपेज कुछ चुनिंदा शहरों में ही होंगे और ये ट्रेनें एसी होगी और इसका किराया जो है वो राजधानी के स्तर का होगा। इसके अलावा जो मजदूर स्पेशल ट्रेनें चल रही थी वो चलती रहेंगी और उसमें जो पहले 1250 मजदूर एक ट्रेन से जाते थे, अब उनके डब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब 1700 मजदूरों को एक ट्रेन से भेजा जा सकेगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, मोबाइल का प्रतिबंध शुरू से रहा है। जो विवादित ढांचा गिरा था तभी से बीच में चल करके जब रामलला के पक्ष में आदेश हो गया और रामलला का अस्थायी मंदिर बन गया, तो इस पर इस संबंध में छूट हो गई। तो जो हमारे सहायक पुजारी थे वो लोग अपना ले जाते थे और लोग कर्मचारी भी ले जाते थे, लेकिन बीच में वर्षा हुई और वर्षा के कारण से कोई किसी ने उसका वीडियो बना करके और वायरलेस कर दिया, जिसके कारण से प्रशासन को लगा कि यह है एक प्रकार से यह सुरक्षा में भेद है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सहायक पुजारी ले जाते थे उन पर रोक लग गया है, कर्मचारियों के ऊपर रोक लग गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्रतिबंध हुआ लगता है वो स्वागत योग्य है, उसको सभी को मानना चाहिए। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि यदि सुरक्षा के कारण से और मोबाइल के कारण से सुरक्षा में किसी प्रकार का भेद होता है, किसी प्रकार की आपत्ति आती है, तो सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सभी जो कुछ भी है उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो प्रतिबंध लगा वो उचित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 94 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति उस समय आत्मविभोर हो गए जब पुलिस ने उनकी शादी के 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ये रोगदान में भी ये हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा हम। और इतने दिनों में हमारी शादी हुई थी, बहुत दिन हो गए हैं। और भाई हमारा बहुत बढ़िया काम करा, हमारे बच्चों ना हमारे बहुत बड़ा परिवार है, अच्छा काम करा। आज जैसे पुलिस वाले आपके घर केक ले गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहोगे पुलिस वालों के लिए? भाई बहुत आसान है, जो कहना चाहेंगे बहुत अच्छा करा बेचारो ना, हमारा बहुत बड़ा आसान करा। और भाई 75वीं साल की रहे, पुलिस वाले हमारे पास आए, हमारा हम पर बहुत बड़ा एहसान उनका और हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। केक लेकर आए, ये आप मतलब आज आप केक लेकर आए हैं, पुलिस वाले कैसा लग रहा है? केक लेकर आए हैं, बहुत ही एहसान किया उन्होंने हम पर, अच्छा लगा ऐसे माहौल में, और ये अच्छा लगा बहुत। देखिए, जनपदीय पुलिस को सूचना मिली थी कि एक परिवार है जिसमें एक दंपत्ति है जिनके 75 साल हो चुके हैं शादी को और वो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, परंतु लॉकडाउन के चलते वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी प्रकार से सेलिब्रेशन हेतु कोई सामान नहीं आ सकता। इसी सूचना के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस उनके घर पर गई और वहाँ पर उनको केक के साथ, बलून्स के साथ प्रॉपर तरीके से उस परिवार के साथ उनकी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया।
और हमें खुशी है कि उस परिवार को और उस दंपत्ति को जिनकी 75वीं सालगिरह है, हम लोग कुछ खुशी के पल दे सके। सरकार के लचर व्यवस्था के कारण आज भी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। और देश के अलग अलग शहरों से लोग अपने घर पैदलहीन चल निकले हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई से 5 सदस्यीय परिवार का है, जो अपने घर बरेली के लिए पैदलहीन निकल पड़े हैं, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी हैं और इनके पैरों में छाले और घाव पड़ गए हैं। खाने के नाम पर इनके पास मात्र नमकीन के कुछ पैकेट हैं, लेकिन ये किसी भी तरह अपने घर पहुँचना चाहते हैं। प्रेमचंद गुप्ता, कहाँ से आ रहे हो? नाला सुपारा से, मुंबई। कितने दिन पहले चले थे? आज 1 हफ्ता हो गया। यहाँ पे किसी ने व्यवस्था नहीं की, प्रशासनिक अधिकारी? कोई प्रशासन नहीं, अपना चलते रहे, अपना जो भी मिलते गए साधन तो पकड़ लिए, नहीं तो पैदल चले। बच्चे को चोट लगे? बच्चे को चोट वो गाड़ी में लगा था, इसके लिए गाड़ी में बैठा था तो लोरी में उसको लकड़ा था, उससे लग गया था, तो गाड़ी में बांधे इसको कपड़े उपड़े, फिर आगे चल के फिर इसको पट्टी करवाए। कहाँ जा रहे हैं? जाना है यूपी, जाना है मुझे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद में मनरेगा के तहत काम तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन सरकार से तय मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मजदूरों की शिकायत है कि उनसे काम तो पूरा लिया जाता है, लेकिन उन्हें हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं दिए जाते, और सैनिटाइजर की तो बात ही कुछ और है। मनमोहन सिंह राठौर है, ग्राम पंचायत सिमरी से आता हूँ, और मैं एक मजदूर हूँ। कल यहाँ पर काम लग रहा था तो इंजीनियर आके मना कर दिया। हार्ड मुरूम है, 40 से 50 मीटर दूर मिट्टी फेंकना पड़ता है, ऊपर से घाट है, और इंजीनियर बोल के चला गया है कि अगर 35 रुपये के आपको काम करना हो दिन मजूरी में तो करो, नहीं तो ना करो। अगर इस स्थिति में हम कोई भी ग्रामीण अगर भूखमरी से मरें, इसका जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, अन्यथा हम कुछ भी कर सकते हैं। भूखे मरेंगे तो यहाँ मरेंगे, सो घर में मरेंगे। मनरेगा के अंतर्गत जो है 202 रुपये का शासन कह रहा है कि 202 रुपये मनरेगा के अंतर्गत रेट है, और हमको 35 रुपये दे रहा है। कौन दे रहा है? इंजीनियर। तो हम क्या करें? नाम पता है इंजीनियर का? इंजीनियर का तो नाम पता है। सुमरिया पंचायत के रहने वाले, इतना काम लगे है साहब, अब मुड़ छुट्टी पिरा लगे से ढोर ढोर घाट है, चढ़ नहीं सकते हैं, बहुत परेशान है न सबको। महिला इना 7 बजे से 11-12 बजे तक काम लगा उठे, और कल इंजीनियर आके बोल दे 35 रुपये के दिन देंगे, तुमको करना हो तो करो नहीं जाओ। हम गरीब आदमी कहाँ जाए साहब, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं हमारा, कहीं काम मिलता नहीं, कहीं काम नहीं, शुरू बारह काम लगे है, कोई काम नहीं, गाँव में है ना बाहर है, कहीं काम नहीं, कहीं काम नहीं है, कहीं काम नहीं लग रहे है। मैं डिंडौरी ने कहूँ काम, हम यह काम से घर से निकलने बंद है, समय कोई कम काम नहीं लग रहे है। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अपन ने तो सब दिया है जो कि अब गांव वालों का कह रहे हैं तब ठीक हो सकता है। आपकी तरफ से पंचायत में जब काम चालू हुआ तो क्या व्यवस्था की गई थी? व्यवस्था अपन ने तो बोल तो दिया था कि जो जो काम में आएगा तो मास्क लगा के आएगा, बाढ़ तो दिया है अपन ने। नहीं सर, हर उसमें 30-30 आए तो हर उसमें हटा है 30-30 करके। नहीं सर, तो अपन तो सोचते हैं कि पूरा पैसा उनको मिले, है ना, जो भी काम है पूरा अच्छे से हो और पूरा पैसा मिले उन्हें। तो सर ऐसा है कि अब काम आम करते हैं तब छाले आले तो वैसे मजदूरों का तो रहते ही हैं, और हार्ड होगा तो फिर छाले तो पड़ेंगे ही। काम चालू होने के बाद एक बार गई हैं आप पंच? नहीं, अभी मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि सचिव वगैरह लोग रोजगार सहायक वगैरह और हमारे हैं तो वो चले जाते हैं। जी जी, मैं दुर्गेश कुमार, ग्राम विक्षा ग्राम पंचायत सिमरिया निवासी हूँ। हमें यहाँ पर रोज़गार में काम नहीं लगाया जा रहा, मजदूरी में नहीं लगाना दिया जा रहा है, ठेके पर काम करवाते हैं इंजीनियर साहब। एक आदमी के बीच पे 10x10 का गड्ढा खुदवाते हैं और 1 फीट की गहराई, जो कि हमसे संभव नहीं है। हाथ में छाले आ चुके हैं हम लोगों की, इतनी हार्ड मिट्टी है यहाँ पर, और जो भी वर्तमान में काम चला है उस इंजीनियर साहब देख कर बोल रहे हैं 35 रुपये 40 रुपये की मूल्यांकन और भुगतान किया जाएगा।
जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इतने कम रेट में हम काम भी नहीं कर पाएंगे। हाथ हमें छाले आ गए हैं और इतने कम में हम काम करेंगे तो हमारा फिर जीवन यापन क्या है चलेगा। गर्मी के दिन है, 100 मीटर से ज़्यादा मट्टी फेंकना जाना पड़ता है, टेक है, और मुरुम की स्थिति ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। कितने समय से कितने समय तक काम करवाया जा रहा है यहाँ पे? काम सर 7 बजे से लगवाते हैं, 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 3 बजे से लगवाते हैं, 6 बजे तक। आपको कितनी मजदूरी देने की बात कही गई थी? 190 रुपये दिन के पहले से बोल लगाया गया है, लेकिन इंजीनियर साहब बोलते हैं कि इस प्रकार का काम चलेगा तो 35-40 रुपये मिनिमम कम से कम दिया, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कितने मजदूर लगे हुए हैं? मजदूर यहाँ 70 मजदूर के आसपास है मोटे हिसाब पे। टोला का निवासी हूँ, ग्राम बिछिया पड़ता है और सिमरिया पंचायत है। ये महावीर तालाब में कम से कम नहीं 2 किलोमीटर से आते हैं अपन काम करने के लिए, और यहाँ पे काम करते हैं सर तो 10x10 का गड्ढा देते हैं, 1 फिट गड्ढा मांगते हैं, और सुबह 7 बजे से बुलवाते हैं और 12 बजे छुट्टी होता है। आप तो देख ही रहे हैं ये बात को क्या है। और बोलता है, कल इंजीनियर आया था तो बोला था कि अगर ऐसा काम होगा तो हम यहाँ काम ना लगाएंगे, कल से बंद कर दो, ऐसे कहा कि कल बोल के गया है। तो हम अपने मर्जी से यहाँ काम कर रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं तो हम कहाँ करें? हमारे लिए कुछ प्रबंध बताओ। मजदूर यानी बाल बच्चों को क्या खिलाएं, जहर दे दें क्या? इस कार से कहने का मतलब, हम लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती काम में आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि काम मत करो, तो हम अपने स्वेच्छा से आए हैं कि भलाई परमिट न दी, बाकी हम काम करेंगे, मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? हमारा जॉब कार्ड खाली पड़ा हुआ है, कहीं भी काम निकलता है कोई काम में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है। ये ग्राम पंचायत सिमरिया है, यहाँ पे कहने का मतलब कोई काम नहीं दिया जाता है। साल दो साल में मुश्किल से ये तालाब में काम लगा है और आज ये प्रथम मतलब यहाँ जॉब कार्ड में काम चालू कर रहा है सिमरिया पंचायत का। तो इस कार्ड से हम लोगों का बेरोजगार है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच भी कनसुनी कर देता है, सचिव के पास जाएंगे, सचिव भी कनसुनी कर देता है, कोई ने काम नहीं यहाँ नहीं निकाला, मुश्किल से काम निकाला गया है। तो इसको भी ये 6 दिन हो गया, आज 6 दिन तक काम किए हैं और कल से बोल दिया है कि कल से मत आना। सचिव आया, ये इंजीनियर आया था कल, यानी गुरुवार रहा कल, कल गुरुवार को आया था, तो गुरुवार को बोल दिया था कि कल से मत आना। तो हम लोग गांव वाले मीटिंग बनाए कि भाई अपन मजदूर लोग हैं, हम लोग साहब से जाके अपन निवेदन सुनाएंगे, अगर साहब नहीं सुनेंगे जैसा राह बताएंगे वैसा काम करेंगे। जहां पूरे विश्व में डॉक्टरों के सेवा भाव को लेकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। जहां ओल्ड एज होम में रह रहे माओ ने मदर्स डे पर सारे दुख दर्द को भूलकर इस तरह से मदर्स डे को सेलिब्रेट किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अस्पताल से कई लापरवाही की खबरें सामने आई है, जिनमें कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को इस तरह से छोड़ दिया गया है कि वे कभी भी दम तोड़ सकते हैं। नहीं, आप बैठ सकते हो, आप खड़े होने की कोशिश करो, इधर आओ। इधर इनका नाम राजू है,
राजू होने के बावजूद तीन पलंग से नीचे गिर गया, एक घंटे बाद, एक घंटा उसे नीचे गिरे हुए हो गया। डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खुद उठाकर ऊपर बैठा दीजिए, कोई एक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। एक दूसरा दूसरा ये मेरे बेड के पास आ गया, मुझे इससे खतरा होना चालू हो गया, ठीक है ना, कल को किसी और मरीज के साथ भी कोई बुरा ना हो। जी दोपहर को डॉक्टर हम यहाँ पे लेके आए थे उनको जांच के लिए, डॉक्टर ने कहा था कि उनको दिखा दीजिए वहाँ मेडिकल में। किसको लेके आए थे, क्या है? मेरे भैया हैं जिनका नाम राजू है, उनके पिता का नाम भीमसेन है। कहाँ के रहने वाले? वो जागृति वार्ड सेक्टर 4 के रहने वाले हैं। यहाँ क्या हुआ था, किस लिए लाए थे आज उन्हें, ये बताओ। उनको मेडिकल में दिखाने के लिए लाए थे, उनकी तबीयत खराब थी थोड़ी। अच्छा, तो उसके लिए फिर यहाँ पे उनको भेजा गया था जांच के लिए, तो उनको होल्डिंग पे डाला गया था, हम उनको छोड़ के गए थे दोपहर को। अब शाम को पता चला कि मीडिया में आया, वीडियो में आया कि उनकी दुर्गति कर रखे, बेड पे से गिरे पड़े, उनको चोटें लगी हुई है, कोई देख रेख नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पता करने के लिए आए। और पता करने के बाद हमें बहुत मुश्किल से पता करा, तो बाद में एक डॉक्टर आके कहता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। हम वजह पूछते हैं, वजह बताने को कोई तैयार नहीं है। अब हमसे बोलते हैं कि ई रिक्शा लेके आओ, हम उनकी डेथ बॉडी दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में। किस टाइम की घटना है ये? अभी की घटना है। डॉक्टर को जानते हैं आप? नहीं, डॉक्टर वो वाले सर हैं जो अभी बताने आए थे। सर एक पेशेंट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जमीन पर पड़ा हुआ है और हेल्प के लिए लगातार गुहार लगा रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए अभी मैंने, मेरे पास जो लगातार वीडियो आया था मैंने देखा था, तो उसकी मैं अभी जांच कराऊंगा। जांच कराने के बाद के बाद में जो भी दो दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई। सर अभी वहीं डॉक्टर साहब के द्वारा एक बताया गया है कि वो एक्सपायर हो गए हैं, रिक्शा लाइए और उनको ले जाइए, कितनी बड़ी चूक मानते हैं इसको आप? नहीं नहीं, ये जो है ये अगर वैसा है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे मरीज को जो रेस्पेक्टफुली डेथ के बाद उसको हम लोग प्रॉपर पैक करके मार्जिन रखवाते हैं और उसके बाद उसको रेस्पेक्टफुली उसको जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक्चुअली यहाँ पे दो वार्ड हैं, इसमें एक में सस्पेक्ट हैं, एक में कंफर्म है। तो सस्पेक्ट वो रहते हैं जिनको ये लगता है कि इसमें कोरोना हो सकता है, जांच बाद पता चलता है, उसके बाद उनको पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तो वो सस्पेक्ट वार्ड में, ऐसा लगता है कि सस्पेक्ट वार्ड में थे। सर जिस व्यक्ति की वीडियो वायरल हो रही है, क्या उसका नाम है, क्या प्रोफाइल है, ये बता दीजिए थोड़ा। ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता करके बताना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो में शक्ल में पहचानता नहीं हूँ मरीज की, तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। सर वहीं उसके परिजनों का आरोप है कि करीबन एक घंटे तक उन्होंने दर्द से कराते रहे, उनको किसी ने नहीं देखा है, वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर इसमें ऐसी लापरवाही हुई है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं बहुत परेशान हूँ, मेडिकल से मेरा इलाज चल रहा था, तवज्जो नहीं दी गई कुछ भी। 6 तारीख में आया, उसके बाद मुझे दवाई दे के वापस कर दिया, उसके बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई तो बड़े भाई ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, तो रिकॉर्ड में भी होगा, फ़ोन नंबर था 84 45 22 45 01, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं गई। उसके बाद मुझे जब ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने बाहर से टेस्ट कराया, उसके बाद मैं फिर दोबारा भर्ती होने के लिए आया, दोबारा भर्ती नहीं कराई इन्होंने, वापस कर दिया मुझे दवाई देके, मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे एक कल उठा करके ले करके आए हैं, और कल पहले खरगोदा ले गए, वहाँ से फिर वापस कर दिया, फिर मुझे यहाँ मेडिकल में ले गया है। 3-4 घंटे मुझे वहीं गेट पर पड़ा रहा, मैं किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, धूप में कैसे कैसे करके मैं ऊपर चढ़ा, 1-1.5 घंटे में ऊपर चढ़ा गया, 1/2 घंटे में बैठ बैठ के लेट लेट के, उसके बाद में वहाँ पड़ा रहा, कोई परेशान हाल नहीं। उसके बाद 3-4 बजे के करीब इन्होंने जो है अंदर लिया मुझे, उसके बाद से अब तक जो है कोई किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, 2 गोली दी हैं बस, अब तक ऑक्सीजन लगा दिया, कोई पूछने नहीं आ रहा, सब परेशान है ये, और गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये पड़ोस में एक डेथ और पड़ी हुई है, ये देख लीजिए, अभी बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती कह करके जो है इन पे चादर डलवाई है, इन्हें यहाँ से उठा नहीं रहे हैं। इनका नाम कदम सिंह है, पीटी नगर के रहने वाले हैं ये, और यहाँ जितने भी और मरीज़ हैं सब परेशान हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा,
दूर दूर से आते हैं दवा, दूर से जो है आते हैं दवाई दूर से फेंक के चले जाते हैं। एक हमारे बुजुर्ग इधर भी बैठे हुए, अभी देख लीजिए उसे सुन लीजिए मेरे, हमारे जितने मरीज हैं सबसे सबका जो है एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी जिला अधिकारी हैं, प्रशासन है, DM है, CM है, SHO है, सबसे हमारी दरख्वास्त है प्लीज़ हमारी मदद करें, बहुत परेशान हूँ, कोई हमें देखने वाला नहीं है। लॉकडाउन से परेशान श्रमिक किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली में एक फैक्ट्री मालिक ने अपने श्रमिकों को उधार में साइकिल मुहैया करा दी और वो साइकिल से ही अपने घर निकल पड़े। उदय कुमार। उदय जी कहाँ से हैं? नई दिल्ली। कहाँ जाएंगे? बिहार मधुबनी। किसके जरिए आए हैं, किससे आए हैं? साइकिल से हम लोग आए हैं। साइकिल कैसे मिली? साइकिल हम लोग कुछ उधार ही दिया, कुछ बस अपना तरफ से 500 रुपये 1000 रुपये दिए, 4000 उधार दिए। उधार किससे? हाँ। तो घर क्यों जाना चाहते हैं? घर वहाँ पे कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं था और इधर बीमारी भी बढ़ रहा था थोड़ा सा, कुछ लॉकडाउन को पालन नहीं करता था। सरकार तो कह रही कि आप लोग जहाँ रुको वहीं पे व्यवस्था कराएंगे सब कुछ। मर जाएगा उसके बाद व्यवस्था होगा क्या? अच्छा, दो महीना से तो आज चौथा लॉकडाउन है, तीसरा, तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? दीपेश कुमार यादव। दीपेश जी कहाँ से आए हैं और कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली से आए हैं। और कहाँ जा रहे हैं? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला, बिहार। हाँ जी। दिल्ली से किसके जरिए आए हुए हैं? सर करोल बाग टैंक रोड से। किससे आए हुए हैं? साइकिल से आए हैं सर। साइकिल से? साइकिल आपने बताया था उधार खरीदी क्या? सर साइकिल भाई साहब ने दिलवाया है, थोड़ा बहुत पैसे था तो हम लोग दिए, बाकी भाई साहब बोले बाद में जो जैसे होगा जब काम चलेगा तो देखा जाएगा। सर कौन भाई साहब? प्रभुलाल जी। जहाँ पे काम करते हैं? जी सर। तो आप लोग उधार पैसा दे के भी लाए हैं साइकिल? हाँ सर, मालिक दिलवाया, उधार दिए पैसा। कितने लोग हैं आपके साथ में? हम लोग सर 10 आदमी। सब लोग बिहार के हैं? जी। भगवान राम के नगरी अयोध्या में एक ऐसी गाय है जो प्रतिदिन पौराणिक मंदिर रंग महल में आती है और गर्भगृह की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है, जैसे भगवान को नमन कर रही हो। यह सिलसिला पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। लोगों ने इसकी भक्ति को देख कर गाय का नाम सरयू रख दिया है। चौदह या 15 साल से नित नेम ये परिक्रमा करती है और वो भी उल्टी करती है, जिसका हमें ये ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि जहाँ गौ उल्टी परिक्रमा करे वो स्थान पे साक्षात विष्णु अंश होता है। ये जो है परिक्रमा, ये विष्णु रंग महल में सरजू नाम की गाय है, वो रंग महल की ही वो पली पुसी है, जन्म उनका ही, वो नित परिक्रमा लगाती हैं। वो परिक्रमा और दर्शन करने वालों का यहाँ बड़ा तांता लगा रहता है, श्रद्धालुओं की उनके प्रति बड़ी भावना है। यहाँ से भारत से वो विदेशों से भी लोग पहले आते थे और आज भी लोग पूछते रहते हैं सरजू के बारे में, इसीलिए वो परिक्रमा लगाती हैं और उनमें देवत्व है, वो कोई महापुरुष हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और उनकी कामना, लोग कहते हैं कि रामलला के लिए ही परिक्रमा करती हैं, तो ये हो सकता है उनकी कामना साकार हुई हो, यही हम जानते हैं। और हमारी गौ की नित्य पूजा होती है, नित्य उनकी दर्शन करते हैं हम लोग, तो अपने आप में बड़े ही वो रहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसी गौ है जो हमारे हर समय हम लोगों को दर्शन देती है। हम लोग सौभाग्यशाली भागशाली रंग महल पर कर पूरी उनकी सेवा में लगा रहते हैं।
लॉकडाउन से आम आदमी किस तरह से परेशान है यह बेंगलुरु के राममूर्ति नगर में साफ देखा जा सकता है, जहां राशन किट लेने के लिए 8,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए हैं। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार।